हेलो गाइस, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग चैनल आपका स्वागत है। तो आज है 28 नवंबर और 28 नवंबर को यहाँ पे दिन का जो है मैंने पहला ट्रेड ले लिया है। 43,800 का यहाँ पे मैंने कॉल जो है बाई किया है 215 रुपये के प्राइस पे। टाइम हो रहा है 12:14 और इसी टाइम के आसपास मैंने जो है हमने ट्रेड को बाई किया था। तो ट्रेड लेने का पहले लॉजिक समझ लेते हैं, ट्रेड लेने का क्या लॉजिक था। तो अगर आप मार्केट में अगर आज दिन भर का अभी तक का देखोगे तो मार्केट काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, और ऑप्शन के प्रीमियम का चार्ट देखेंगे तो अगर मिस कॉल और पुट दोनों के मैं ऑप्शन के प्रीमियम को देख रहा था, दोनों जो है मार्केट धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा था लेकिन कॉल का जो प्रीमियम उस हिसाब से बढ़ नहीं रहा था। आप लोग भी ने भी ऑब्जर्व किया होगा। और इंडेक्स के चार्ट को देखें तो मार्केट जो है धीरे धीरे करके ऊपर की साइड जाने को तैयार हो रहा था, तो इसलिए मैंने जो है यहाँ पर कॉल का ट्रेड लिया है। अगर देखते हैं, अगर देखिए, अगर ट्रेड लिया है तो फिर उसमें हम लोग अपना जो है एक फिक्स जो है स्टॉप लॉस बुक करेंगे और एक फिक्स जो है टारगेट रखेंगे। तो हो सकता है आपको बैकग्राउंड में नॉइज़ सुनाई दे रहा हो तो उसको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा उसके लिए। तो देखिए, हम अपना लॉस अगर रखना रहेगा तो हम लॉस जो है यहाँ से 215 रुपये का बाई किया है तो कम से कम हम 20-25 पॉइंट का जो है लॉस बुक करने के लिए देखेंगे कि इसके पास अगर लॉस होगा। मैं इस लगभग 300-400 रुपये तक का अगर हमको लॉस दिखना स्टार्ट हुआ तब जो है हम अपना जो है लॉस बुक कर लेंगे। लेकिन अगर टारगेट की बात करें तो 1,000 से 1,500 के बीच में हम जो है टारगेट देखने की सोचेंगे। जितना जैसा मोमेंटम रहेगा उस मोमेंटम के हिसाब से जो है हम टारगेट जो है बुक करेंगे। तो अभी जो है हमको जो है 150 से 200 रुपये के आसपास का लॉस दिख रहा है, तो मतलब 150 के आसपास लॉस दिख रहा है, 10 पॉइंट का हमको यहाँ पर लॉस दिख रहा है। और यहाँ पर जो है अगर कई दिनों से अगर आप देखोगे तो पिछला जो वीक था मेरा काफ़ी ख़राब गया था। पिछले वीक में मुझे जो है एक हर एक दिन जो है लॉस हुआ था। लेकिन अगर मेरे आप वीडियोस को देखोगे, आप प्रीवियस वीक का अगर वीडियो देखोगे, ऐसा नहीं था कि मतलब तुरंत लॉस हो गया है। लेकिन कभी 700 रुपये का प्रॉफिट होते होते उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गया, कभी 500 का प्रॉफिट हुआ, कभी 300-200 रुपये का प्रॉफिट होने के बाद जो है मार्केट वहाँ से रिवर्स हो रहा था। तो अगर मैं अगर देखूं कि पिछले वीक मेरा जो है पूरा वीक जो है लॉस में गया था। अगर आप जो है कंटिन्यू जो है लॉस करते हो तो उसके साथ क्या होता है कि आपका जो आपने जो है पैसे डाल रखे हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में वो जो है कम होने लगता है आपका। अगर होता है क्या है कि अगर आप एक दिन प्रॉफिट करो, दो दिन लॉस करो, तो क्या होता है कि आपका जो है ट्रेडिंग अकाउंट से पैसे कम नहीं होते दिखते। लेकिन जब आप कंटिन्यू कई दिन से आप जो है लॉस करते हैं ना, तो उसके बाद क्या होता है कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट का जो है पैसा वो कम होते दिखता है। तो इससे क्या होता है आपके ऊपर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ने लगता है कि आपको जो है आपका जो है पैसा कम हो रहा है, आपको अगर आप और लॉसेस करोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। उसके चक्कर में क्या होता है आप अपने लॉस स्टॉप लॉस जो है बहुत छोटे रखने स्टार्ट कर देते हैं, और उसके कारण क्या होता है फिर और जो है छोटे छोटे स्टॉप लॉस आप जब रखते हो तो और ज़्यादा लॉस होने लगता है। तो हमको अपने ऐसे में जो है हमको अपनी साइकोलॉजी और अच्छी रखनी पड़ेगी। देखिए कुछ अभी हमको जो है ट्रेड लिए 10 यूनिट हो रहे हैं और हमको जो है थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखने लगा है। तो मैं ये बोल रहा था कि ऐसे में हमको जो है अपनी साइकोलॉजी बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में जो है इसी तरीके से होता है कि जब आप मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो तो आपके हर दिन प्रॉफिट जाना बहुत मुश्किल होता है और कंटिन्यूस प्रॉफिट करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप प्रॉफिट कंटिन्यू नहीं कर सकते तो आप अपने रिस्क को मैनेज कीजिए कि मतलब कम से कम लॉस कीजिए, ताकि आप जो है बहुत बड़े लॉसेस में ना चले जाओ, ताकि आप जब ट्रेडिंग में कुछ सीख भी पाओ तो आपके पास कैपिटल ही ना बचे। ऐसा ना हो कि आप जो है ट्रेडिंग तो कुछ सीख गए लेकिन अब आपके पास कैपिटल ही नहीं बचा। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हम क्या करेंगे, अपने लॉसेस को कम रखेंगे। जब तक बहुत कंटिन्यू प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो अपने लॉसेस को कम रखेंगे। इसी तरीके से हम जो है अपनी एक जर्नी को स्टार्ट करते हैं, ट्रेडिंग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की जर्नी को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए करीब करीब हमको यहाँ पे ट्रेड होल्ड किए हुए लगभग 20 से 25 मिनट हो गए हैं और हमको कुछ खास प्रॉफिट नहीं दिख रहा। मोमेंटम अभी तक मार्केट में कुछ खास अभी तक आया नहीं है, फिर भी हम जो है होल्ड करेंगे अपने ट्रेड को, और जब तक हमारा जो है टारगेट नहीं अचीव हो जाता है हम अपने जो है टारगेट के लिए होल्ड करेंगे, नहीं तो हम जो है जो भी अपना लॉस सोच रखा है हम वो लॉस दे देंगे। क्योंकि मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो एक एक्चुअल प्रॉफिट हम और एक्चुअल जो है लॉस की बुक सोचते हैं। अगर आप डेली चार्ट के हिसाब से अगर मार्केट को देखोगे, अगर आप बैंक निफ्टी के डेली हिसाब के चार्ट को देखोगे तो बैंक निफ्टी में एक गैप फिल करना बाकी रह गया ऊपर की साइड। तो वो भी एक लॉजिक था मेरे अंदर कि मार्केट हो सकता है आज अपने गैप को फिल करने जाए, अगर अपने डे हाई को निकालेगा तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है।
तो उस हिसाब से मैंने ये ट्रेड लिया है। लेकिन अभी तक मार्केट में कुछ खास मोमेंटम आया नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया मार्केट को मैं देख रहा हूँ, मोमेंटम कुछ खास आया नहीं है। लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड को होल्ड किए हुए हैं, हमको जो है 25 से लगभग 25 मिनट हो गए हैं। तो देखिए काफ़ी टाइम होने के बाद 12:40 हुआ है अभी, अब हमको जो है थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखने लगा है, 200-250 रुपये तक का प्रॉफिट दिख रहा है। तो कई बार ऐसा हुआ है कि इतने का प्रॉफिट दिखाने के बाद मार्केट जो है 20-25 पॉइंट तो बड़े आसानी से मिल ही जाते हैं मार्केट में, तो वो दिखाने के बाद मार्केट जो है रिवर्स हो जाता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, हमने जो टारगेट सोच रखा है हम 20-25 पॉइंट नहीं ले जाने की सोचते, क्योंकि एक जो है मैं यहाँ पे छोटे पॉइंट ले कैप्चर करने की नहीं सोच रहा हूँ, मैं बड़े पॉइंट कैप्चर करने की सोच रहा हूँ। तो तब तक के लिए हम क्या करेंगे, अपने ट्रेड को होल्ड करके रखेंगे और वेट करेंगे कि हमारा जो है टारगेट हिट हो। यहाँ 200-250 रुपये तक का प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन कुछ खास अभी मोमेंटम आया नहीं, लेकिन अभी लग रहा है कि मोमेंटम एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे अब ऊपर की साइड जा रहा है। तो जैसे ही अपने डे हाई को निकालेगा ना, तो मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। तो मैं उसी के डे हाई का ही वेट कर रहा हूँ कि डे हाई को निकालते ही हो सकता है वहाँ पे क्या हो, दो देखे चांसेस बनते हैं, या तो लोग को ट्रैप करता है, बहुत सारे लोग वहाँ पे कॉल जो है बाई करने के लिए आएंगे। अब देखिए अब जो है मोमेंटम आया, 400-500 तक का प्रॉफिट हमको दिखाने लग गया है। देखिए आधे घंटे मार्केट ने हमको वेट कराया, अब देखिए कितना तेज़ी से मोमेंटम आना स्टार्ट हो गया है। अब एक एक मिनट में देखिए जो है 20-20 पॉइंट का, देखिए 2 मिनट में हमको जो है 215 का ऑप्शन जो है 270-280 तक पहुंच गया, तो 900 रुपये तक दिखा चुका है हमको यहाँ पे ऑप्शन का प्रीमियम। तो देखिए कितना फास्ट मोमेंटम आया, 10:40 से मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ, 12:40 से मार्केट में मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ और हमको यहाँ पे 1000 तक का प्रॉफिट दिखाने लग गया है। तो लेकिन अभी हम देख रहे हैं मार्केट में मोमेंटम है, तो अभी हम ट्रेड को होल्ड करेंगे, अभी ट्रेड को कैंसिल नहीं करेंगे, होल्ड करके देखेंगे कि मार्केट में और कितना हमको प्रॉफिट हो सकता है। तो देखिए मार्केट में 900 तक का प्रॉफिट दिखाने के, 1000 तक का प्रॉफिट दिखाने के बाद 500 तक के पास भी आ गया। तो ये मार्केट में होता है कि प्रॉफिट दिखाएगा फिर अचानक से जो है नीचे आएगा, तो आप क्या है डर के मारे कि अरे इतना प्रॉफिट हो गया था, अब कम हो गया, हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमने जो टारगेट सोच रखे, जो अपने लेवल्स बना रखे, उस लेवल के हिसाब से ही हमको जो है टारगेट अचीव करने के लिए रुकना पड़ेगा। अगर हम मार्केट में वेट करेंगे अपने टारगेट के लिए रुकेंगे, तो मार्केट हमको वो रिवार्ड भी करता है। देखिए कई बार हमारा जो है 700 से मार्केट रिवर्स हुआ है, कई बार हमने जो है यहाँ से भी लॉसेस खाए हैं, तो हो सकता है आज भी लॉस दे दे मार्केट, लेकिन हम क्या करेंगे अपने टारगेट के लिए बने रहेंगे। प्लस आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को ट्रेडिंग कैसा लग रहा है, आप लोग जो भी कमेंट करते हो मैं प्रॉपर उसका जो है रिप्लाई देता हूँ। जो भी आप लोग कमेंट करते हो, जो भी रहता है, मैं उसका रिप्लाई करता हूँ। आपको कुछ भी अगर नहीं समझ में आता कि मैंने क्या ट्रेड लिया था, किस लॉजिक से लिया, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पर भी समझाऊँगा। तो अभी देखिए 800-850 रुपये का प्रॉफिट बार दे रहा है, फिर भी हम थोड़ा होल्ड करेंगे। अगर और भी मोमेंटम आना होगा तो हम देखेंगे कि मोमेंटम आएगा तो एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है, क्योंकि अपने डे हाई को मार्केट ब्रेक कर चुका है। तो मार्केट में डे हाई ब्रेक करने के बाद मोमेंटम है और सस्टेन कर रहा है, मिस अभी और थोड़ा मोमेंट दे सकता है मार्केट, तो उसके लिए हम थोड़ा बहुत और होल्ड करेंगे। और यहाँ पे हमको जो है 900 रुपये तक का प्रॉफिट दिखा रहा है, और एक मोमेंटम आएगा तो एक और क्विक मोमेंटम दे सकता है। जो हमने 215 का ऑप्शन बाय किया था, देखिए 295 का प्राइस चला गया है, तो एक देखिए अच्छा खासा मोमेंटम है, 300 भी प्राइस दिखा दिया है हमारा जो है ऑप्शन का प्रीमियम, 300 भी चला गया है। तो हम इसको 100 पॉइंट कम से कम निकालने की कोशिश करेंगे, 1500 रुपये तक का प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। फिर भी हम रेडी रहेंगे कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा तो हम जो है ट्रेड से एग्जिट भी कर देंगे। तो मार्केट में अभी थोड़ा सा और होल्ड कर लेते हैं, 1500 तक का प्रॉफिट जो है बुक करने को देखेंगे। देखिए अचानक से मोमेंट आया है, तो अब यहाँ हम प्रॉफिट बुक करने के लिए देखेंगे, अब वेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो है 1530 रुपये आज प्रॉफिट बुक किए हैं। आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कि आपको ये कैसा ट्रेडिंग लगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था दोस्तों।